सो वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100. सो कैंडिडेट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट यू ए वेरी वेरी गुड स्टोरी ऑफ ए क्वालिफायर, दैट इज माई कलीग नीरज झा, हु इज़ फ्रॉम बिहार एंड ही इज सेलेक्टेड इन कैनरा बैंक PU लास्ट ईयर इन 2019. एंड आई विल टेल यू दैट हाउ डिड ही मैनेज टू यू नो क्रैक दिस टफेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ बैंकिंग इन जस्ट 22 ईयर्स. ही वॉज इन फाइनल ईयर एंड ही अटेम्प्टेड द एग्जाम एंड ही फाइनली ही वॉज एबल टू क्रैक इट द एग्जाम. सो वी विल सी सक्सेस स्टोरी एंड ऑल द प्रिपरेशन टिप्स एंड द गाइडेंस दैट ही इज़ विलिंग टू गिव द कैंडिडेट्स एंड ही विल बी शेयरिंग हिज ऑल द स्टोरी दैट ही चैलेंजेस ही फेस्ड ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल से यू द मेन्स स्कोर कार्ड ऑफ नीरज झा. So, you know, for the viewers who doesn't believe that this is a fake, it might be fake interview. So, I want them to see this scorecard, and just go through it. That how many marks he scored in mains exam. Okay, friends. So, let me show you. So, in reasoning section, he scored 18.25 marks. In general awareness, he scored 22 marks. In English section, he scored 24.25 marks, and in data interpretation section, he scored 26 marks. Friends, I would like to know you all to give your attention towards this data interpretation section and how he managed to bring so many marks, 26 marks. So there is a strategy behind it, and he will say this strategy that how he managed to bring such a good mark, and also you can see the overall marks. So 107.5 marks, and see the cutoff marks. So cutoff marks and the difference is almost 36 marks. So I will tell you all the candidate, please give focus on this. 36 marks cutoff difference is very high, so which guarantees you that you can able to even if you have a bad interview, you can you will be able to get selected in the exam, in the job. So I will let you see the final scorecard of Neeraj Jha. What is the final score? 51.42. So friends, you can see that 51.42, and I remember the cutoff was not much lesser than this, but his marks are so good. So you can see here, he is selected. You have been provisionally allotted against vacancies in unreserved category in Canara Bank. So being from general category, unreserved category, he is able to crack the exam, and that too in the first attempt. So let's hear him and let's hear his success story, friends. आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे कैंडिडेट की बात करने वाला हूं जिन्होंने अपने पहली अटेम्प्ट में IPS की जैसा एग्जाम क्रैक किया है, और वो भी मात्र 21 साल की एज में, जो कि बहुत ही मुश्किल जर्नी होती है, बहुत मुश्किल होता है कैंडिडेट्स के लिए. आज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं एग्जाम क्रैक करने में, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई 5 साल भी लेता है. तो आज हम बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट से जिसने अपने फाइनल ईयर में ही तैयारी की और एग्जाम क्रैक कर लिया. तो चलिए मिलते हैं आज के IPS PU क्वालिफायर नीरज झा से. सो वेलकम नीरज टू माय YouTube चैनल. तो स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में आपका. तो आपने पहले ही अटेम्प्ट में IPS PU जैसा एग्जाम क्रैक किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए और किस साल में अपनी तैयारी स्टार्ट की है? मैंने अपनी प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट किया था, जुलाई में, और उसके बाद से मैंने तुरंत 3 महीने के बाद ही एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों IPS PU क्लियर हुआ था. उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट कर लिया गया. फिर उसके बाद से मेरा रीअपेयर हुआ 2019 में, और मैंने उसके बाद से SBI JA, RRB क्लर्क, LIC असिस्टेंट, EPFO, ASO, EPFO एज ए मेंस, ये सारे एग्जाम्स क्लियर किया, और लास्ट में कैनरा बैंक जो IPS PU का रिजल्ट आया वो भी मैंने क्लियर किया. तो नीरज, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने काफी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं और ये इतना आसान नहीं होता है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, जब आपने उनको बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन जब पहली बार जब मैंने एग्जामिनेशन क्लियर किए थे SBI के, तो बहुत ज्यादा बहुत ही स्पेशल होता है हर मोमेंट, क्योंकि पहले मैंने SBI क्लियर किया था, SBI जे, तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था. उसके बाद से मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, उसके बाद से तो नॉर्मल बन गया, क्योंकि मेरे एग्जाम में एग्जाम ही बहुत अच्छा ज्यादा था. EPFO ASO मैंने 2019 में नॉर्मल में क्लियर किया, और उसके बाद से कैनरा बैंक में क्लियर हो गया.
ओके नीरज, देन टेल अस समथिंग अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो किस उनको उनको लगता है कि इस बैकग्राउंड से होने से उनको हेल्प नहीं मिल सकती है, तो आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए और बताइए कि आपने फिर उसके बाद किस तरह तैयारी स्टार्ट की। मैंने बेसिकली 10th नेपाल से किया, उसके बाद से मैंने IIC किया और फिर मैं बीकॉम में आया। तो बीकॉम मैंने 2018 में क्लियर किया और उसके बाद से मैंने एमकॉम में डिस्टेंस में एडमिशन लिया और उसके साथ साथ ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मेरा जो सिलेक्शन हुआ 2019 में मेल हुआ सारा एग्जाम्स में। ओके नीरज, सो यू हैव एनी अदर कैरियर गोल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? मैं करंटली UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर इसके लिए अपेयर होने वाला हूँ। तो बहुत अच्छी बात बताई है नीरज जी ने कि देखिए इन्होंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं बट फिर भी ये अपने करियर गोल को छोड़ नहीं रहे। इनका जो एक मोटिवेशन है कि मुझे UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कैंडिडेट्स अगर आपका कोई गोल है जिस पर आप फोकस्ड रहते हैं तो उसको आप ना छोड़ें भले आप कितने भी एग्जाम्स में क्रैक कर लें। सो नीरज, मैं बताना पूछना चाहता हूँ कि आपके जो ओवरऑल मार्क्स थे IPS PO प्री मेंस और इंटरव्यू में, कुछ आप बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आए थे? नीरज, बहुत ही अच्छे मार्क्स थे आपके मेंस में, 107 मार्क्स लाना कोई आसान बात नहीं होती है। तो नीरज आप बताइए कि आपने अभी आप फिलहाल कहाँ काम कर रहे हैं? तो नीरज ये बहुत अच्छी बात है कि आपने IPS PO एग्जाम टफ एग्जाम क्रैक किया है, इसके बावजूद आपने दूसरे एग्जाम की तरफ जॉब की तरफ मूव किया, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। IPS PO आपने क्यों छोड़ा, इसका कोई स्पेशल वजह है आपके पास? इसको छोड़ने का बस यही वजह था कि मैं UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ और UPSC के लिए प्रिपेयर करते वक्त बैंक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको प्रिपेयर करना, और चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और 2 डेज वीकली ऑफ रहता है तो प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प मिलती है और टाइम हमें मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। तो बेसिकली यही रीजन था और कुछ। दोस्तों देखिए कि अब वही है कि अगर आपको इससे बड़ा कोई एग्जाम क्लियर करना है जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है प्रिपरेशन में, तो आपको एक ऐसा जॉब सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको टाइम मिले थोड़ा पढ़ाई करने का, स्टडी करने का। बैंक में थोड़ा कम टाइम मिलता है कंपेटिवली, ऐसा नहीं टाइम नहीं मिलता बट थोड़ा कंपेटिवली कम टाइम मिलता है, तो इसलिए आप ऐसा कोई जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए अगर आप कहीं और भी सेलेक्ट होते हैं तो। सो नीरज आप बताइए, हाउ मच टाइम डिड यू प्रिपेयर फॉर IPS PO, डिड यू क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? बहुत अच्छी बात कही आपने। तो नीरज आप एक बात बताइए कि नॉर्मली कैंडिडेट जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, वो उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, वो कभी कभी एग्जाम में अच्छा तैयारी करने के बावजूद उनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता तो वो हार मान जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स गिव अप कर देते हैं। तो आई वॉन्ट टू नो दैट वॉट चैलेंजेस यू फेस्ड वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करते वक्त सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है कि हम ज़्यादातर वैकेंसीज के बारे में सोचते रहते हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती है। जब हम रियल स्टार्ट प्रिपरेशन करते हैं तो सब कुछ डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमें बस इतना याद रखना होता है कि जब हम रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं तो भले ही इसे शुरुआती टाइम पर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था ये एग्जाम, लेकिन इनिशियली जब मैंने कुछ महीने की प्रिपरेशन की बात तो बहुत ईजी लगने लगा था। तो प्रिपरेशन शुरुआती टाइम पर बहुत डिफिकल्ट होता है, उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में अगर आप 6 महीने कर लेते हैं उसके बाद से आपको सब कुछ पता चल जाता है कि ये बहुत ही नॉर्मल एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 10-12 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आराम से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। मेरे लिए डिफिकल्टी ये थी कि मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, तो इस वजह से मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे नहीं आता था, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा और कुछ मैं किसी पूछ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ जाता था और फिर चूंकि प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा कर ली तो फिर वही क्वेश्चन बाद में मुझसे सॉल्व हो जाते थे। तो जैसा कि नीरज ने बताया कि उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली, तो मैं जानना चाहता हूँ नीरज कि आपने कहीं कोचिंग नहीं ली और आपका ये आपने अपने फाइनल ईयर में ही सिलेक्शन ले लिया है, तो आपने कहाँ से तैयारी की स्टार्ट की थी और क्या क्या सोर्सेज थे आपके तैयारी करने के? जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैथ्स के लिए मैंने बेसिकली RS अग्रवाल को रिफर किया था, RS अग्रवाल का एक बुक आता है
मैंने उसको एक बार किया था और उसके बाद से मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट में चला गया। रीजनिंग के लिए मैंने क्लाउड अफेयर्स वेबसाइट है जहाँ पर सारे टॉपिक एक डिटेल रहता है कि मतलब जैसे सिलॉग्स है उसमें 400-500 क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक है उसमें 400-500 क्वेश्चन है, तो हर टॉपिक का वहाँ पे 400-500 क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी उसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि हमें बुक रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है और उसमें आंसर भी एकदम मेंशन है वहाँ पर, तो हमें कहीं देखने कोई बुक की जरूरत ही नहीं रीजनिंग के लिए। और अगर पजल है तो इनिशियली जब हम पजल स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बुक है मैजिकल बुक एंड पजल, उसमें 100 क्वेश्चन लगभग है और वो बहुत ईजी है। तो जब हम पजल को स्टार्ट करते हैं तो हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमको ये ना रहे कि डिफिकल्ट लगे वो चीज़ें। तो जब वो 100 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो बेसिकली हमें आइडिया हो जाता है कि पजल करना कैसे, उसके बाद से हम डिफिकल्ट में क्वेश्चन में जा सकते हैं। जैसे उसके बाद से हम क्लाउड अफेयर्स वेबसाइट को जा सकते हैं। एक अंडा 247 का एक ऐप आता है जिसमें रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन उसके रीजनिंग के रहते हैं और 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन का क्विज होता है। अब वो इस वक्त आ रहा है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त वो आता था तो मैं उसको भी रिफर करता था। लेकिन बेसिकली मैंने स्टार्टिंग यही था मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल, रीजनिंग के लिए क्लाउड अफेयर्स के सारे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे मैंने उनको किया था और उसके बाद से मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था और रेगुलरली मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। पर डे मैंने 3 मॉक टेस्ट दिया था और जो 60 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं उसको इंक्लूड करके लगभग मेरा ये था कि 200 क्वेश्चन मुझे 100 क्वेश्चन मैथ्स के 100 क्वेश्चन रीजनिंग के और उसके बाद से मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यही मेरा डेली टारगेट रहा था जिसमें करने में मुझे लगभग 10-12 घंटे ज़्यादा ही लग जाते थे और क्योंकि उसमें मुझे जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना होता था तो 10-12 घंटे मस्ट उतना आपको पढ़ना ही चाहिए। तो नीरज ने बताया कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा पूछूंगा नीरज से किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स फेस करते हैं हाई लेवल DI, हाई लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली मेंस के एग्जाम में, IPS PU के मेंस के एग्जाम में, वो पैनिक कर जाते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनकी तैयारी अच्छी होती है इसके बावजूद वो एग्जाम में जाके पैनिक कर जाते हैं और 1-2 मार्क्स लाने के लिए भी सफर मतलब स्ट्रगल करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका कोई टिप्स है उनके लिए कि किस तरह उनको मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए मेंस के एग्जाम में। जो मैंने मॉक टेस्ट का रूल बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर बेस पर दे रहे हैं, जैसे मैंने किया था लगभग 3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपने रोज 3 मॉक टेस्ट दिया है और रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जामिनेशन से पहले, जब 1 महीने आपको लगेगी एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है उसके बाद से आप मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू करें। अगर आपने 20-25 मॉक टेस्ट मेंस का दे दिया है तो मेंस से पहले जब उसको अपीयर करेंगे तो आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा एकदम से। और अगर आप रेगुलर 3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 100% गारंटी है कि आपको कभी भी एग्जामिनेशन में आप मेंस में जाओगे आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। लास्ट ईयर का ही पेपर मुझे बहुत इजी लगा था जबकि सबको वो बहुत डिफिकल्ट लगा था और मुझे लगा था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा जबकि कट ऑफ बहुत लो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रिपरेशन मेंस के लिए मेंस लेवल के ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स का जो हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं वो नॉर्मल एग्जामिनेशन के लेवल से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मेंस जब हम देते हैं तो और भी डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप एग्जामिनेशन ठीक पहले मेंस में मेंस का 20-25 कम से कम मॉक दे देते हैं उससे पहले, तो इतना है कि आप जब मेंस में जाओगे तो आप घबराओगे तो नहीं एकदम से, और जितने क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। और बेसिकली जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए शुरुआती टाइम पे। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते ही लगभग 10 तो होते ही, अगर आप उसको ट्राई करेंगे आपने प्रीलिम्स अच्छे से आपको नॉलेज है तो 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर आपको सेलेक्टिवली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, DI भी आपको सारे नहीं करने, DI भी बहुत सारे ईजी होते हैं तो पहले आपने 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन कर लिया आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो गया, उसके बाद आप मूव करते जाइए जितना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपने मेंस का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रखा है तो इतना गारंटी है कि आपको उतना डिफिकल्ट लगे नहीं और आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से क्वेश्चन आपसे होने वाला है और कौन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे आपसे। तो ये सब प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, अगर आप 3-3 मॉक टेस्ट आप रोज प्रीलिम्स का दे रहे हो तो 6 महीने में आप इतना परफेक्ट हो जाओगे कि आपको एग्जामिनेशन का पेपर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन आपसे होने वाला है या नहीं होने वाला है। और मेंस से पहले अगर आपने 20-25 मॉक टेस्ट मेंस के दे दिए तो आप और भी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम से एनालाइज कर लोगे क्वेश्चन पेपर को कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स उन्हीं को होता है जो मॉक टेस्ट कम देते हैं और ज्यादातर प्रिपरेशन वैसे ही करते हैं और क्वेश्चन नॉर्मली बुक से सॉल्व कर लिए, कहीं और से सॉल्व से प्रैक्टिस कर लिया, तो उनको टाइम का वो नहीं पता चलता है कि टाइम उस लिमिटेड टाइम में कैसे सॉल्व करना है। इसलिए मैंने कहा 3 मॉक टेस्ट खोल देना, उससे टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हो जाता है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन में हम कितना टाइम लगेगा। तो मेरा यही था, इसलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लास्ट ईयर और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा था। जैसा कि आपने बताया नीरज कि आप मॉक्स पे बहुत डिपेंडेंट थे, आपको लगता था कि मॉक्स एक बहुत अच्छा मोड है प्रिपरेशन का। मुझे भी लगता है क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम क्रैक किए तो मैं अपने कैंडिडेट्स को हमेशा गाइड करता हूं कि आप मॉक्स को बहुत सीरियसली लें और मॉक्स पे डिपेंडेंट रहें। मॉक्स बहुत अच्छा एक मीडियम होता है तैयारी करने के लिए क्योंकि आपको बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन
तो इसलिए मैं कहता हूँ कैंडिडेट्स कि मॉक्स डेफिनेटली परचेज किया कीजिए आप। तो नीरज, आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से कौन कौन से मॉक्स कैंडिडेट्स परचेज कर सकते हैं और कितने मॉक्स उनको रखने चाहिए अपने पास तैयारी करने के लिए। ज्यादातर मॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए, ओलिवर जैसे मॉक टेस्ट है तो वो बहुत महंगा है और वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो मॉक टेस्ट है, एक बहुत अच्छा सोर्स है एग्जाम भी करके, वो बहुत ही अच्छा सोर्स है क्योंकि उसमें कम से कम 200 से 250 मॉक टेस्ट हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। जब आपको 200-250 मॉक टेस्ट फ्री में ही मिल रहे हैं तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं, और एग्जामिनेशन का पेपर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें वो भी कोई नॉर्मल नहीं रहता है, एकदम एडिक्वेट रहता है कि इतना आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कर देता है। तो 250 मॉक तो आपको वैसे ही मिल जा रहे हैं। उसके बाद से आप कई और अदर मॉक्स को जा सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट किडाइक है, टेक्स्ट बुक आप परचेज कर सकते हैं, और जैसे एग्जाम भी है, और ये सब में करते करते आपके 500 मॉक तो हो ही जाएंगे, और उसको आपको रोटेट करना है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक आपने ले लिया, स्मार्ट किडाइक आपने ले लिया, दो ही आपको लेना है, तो 250-300 मॉक टेस्ट आपको इधर से मिल जाएंगे, और ऊपर से अगर आप एग्जाम भी ले लिया तो 500-600 आपको मॉक मिल जाएंगे। तो 200 दिनों में अगर आप 3 मॉक टेस्ट रोज दे रहे हैं तो मतलब आप 6 महीने में, आपको 200 दिन अगर आप मिल रहा है मतलब 6 महीने तक के लिए आपको रेगुलर 3 मॉक का आपको डोज मिल गया, तो इसी को आपको रोटेट करना है। और इसी तरह 6 महीने में अगर आपने इतने मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिए, 600 मॉक टेस्ट, तो डेफिनेटली कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाएगी कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो जैसा कि नीरज ने बताया कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं अपने लिए, तो नीरज, जैसा कि आईपीएस पीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है और मेंस का एग्जाम शायद 30th of January को है 2020 में 2021 में, तो मेरे हिसाब से 60 डेज बाकी हैं बस, और 60 डेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और बहुत कम भी नहीं होते डेफिनेटली। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह अभी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि प्री का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, अब उनको मेंस के लिए किस तरह प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि एसबीआई पीओ का भी मेंस जो है वो 29th February को है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, 29th January को है, सॉरी कैंडिडेट्स 29th January को है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एसबीआई पीओ मेंस, एबीबीएस पीओ मेंस और आरबी पीओ मेंस भी 2-3 दिन बाद ही है उसके, तो इन तीनों मॉक्स मेंस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तीनों का ही सिलेबस सेम है और पैटर्न भी सेम है और एग्जाम लेवल भी सेम है। इन तीनों के लिए अगर मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस के लिए हमें ये ध्यान रखना कि अभी जितने आपने प्रीलिम्स के मॉक्स दिए हैं, अब आप प्रीलिम्स के मॉक को स्टॉप कर सकते हैं या फिर आप एक प्रीलिम्स के मॉक्स को सही कंटिन्यू करें, और रेगुलरली आप हो सके तो आप एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दें और एक मेंस का मॉक टेस्ट दें। अगर आप ये नहीं कर सकते, कम से कम 2 दिन में एक मेंस का मॉक टेस्ट तो जरूर दें, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो फिर एग्जाम में आप पछताओगे। और जो मेंस का मॉक टेस्ट आप देते हैं तो क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये तो तय है कि जब आप मेंस का मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें, क्योंकि बहुत सब कम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते हैं मॉक टेस्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन, आधे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके पास होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे मॉक टेस्ट देते हुए। तो जैसे ही वो 3 घंटा गुजर जाता है उसके बाद से आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, ये अगर आपने शुरुआत से अगर अभी से 2 महीने तक आपने कर लिया ना, तो मेंस के लिए काफी होता है। अगर आपने प्रीलिम्स के लेवल अगर आपका आ चुका है तो मेंस के लेवल तक जंप करना 2 महीने में मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेंस को के लिए मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलर पकड़ के चल रहे हैं, अगर आप कम से कम एक मॉक टेस्ट रेगुलर ले लें और उस मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो एक क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और उसमें आपके ओवरऑल कंसेप्ट को चेक कर लिया जाता है, जैसे डीआई है उसमें आपकी ओवरऑल कंसेप्ट को चेक कर लिया, तो उसमें तो मिक्सचर होता है सारे टॉपिक्स का। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो वो वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो भी कर लेंगे, क्योंकि अगर वो अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो चूंकि वो बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो एग्जाम के लेवल तक उनको जैसे 2 महीने गुजर जाएंगे, एट द एंड ऑफ 60 डेज वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, एग्जाम में उनको डिफिकल्ट रहे तो नॉर्मल रहे डिफिकल्टी के लेवल। तो एक यही तरीका है, और जनरल अवेयरनेस के लिए उनको अभी से तो प्रिपेयर करना ही चाहिए, एटलीस्ट जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उनको तो उनको प्रिपेयर करना ही चाहिए। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज अवेलेबल है, 200 या 300 करके गौरव गर्ग के वीडियो हैं, कपिल कांडपाल के, तो उन सबके वीडियोज को आप कम से कम जो टॉप वीडियोज होते हैं उनको आप कर ही सकते हैं, उनको आप जरूर करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत हेल्प करता है मेंस को क्वालिफाई करने में। अगर आपके जीए खराब है तो फिर आप मैथ्स और रीजनिंग से भी उतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको आपको मिनिमम कट ऑफ तो आपको लाना ही है। तो जीए को फोकस करें अभी से, और मेंस का मॉक टेस्ट एक देता है, चाहे आप कितना भी टाइम लगे लेकिन आप इसको करेंगे तो मेंस के मॉक टेस्ट को ओवरऑल सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 7-8 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे तो मॉक ही होगा, और फिर जो रेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उसको 5-6 घंटे आपको लग ही जाएंगे। आपको बोर नहीं होना है और उसको लगातार करते रहना है, तब आपका इतना है कि अगर आपने प्रीलिम्स से भी क्वालिफाई कर लिया, आपका लेवल प्रीलिम्स का है, तो 2 महीने में मेंस क्रैकेबल है, क्योंकि मैंने 1 महीने में ही किया था, मैंने भी जीए प्रिपेयर नहीं किया था और मैंने 1 महीने में प्रिपेयर किया था 18 में जब मैंने प्रिपेयर किया था, सिर्फ 1 महीने मैंने जनरल प्रिपेयर किया था और मेंस का लेवल मैंने उसी वक्त प्रिपेयर किया, तो जब मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है।
तो नीरज के बारे में एक बात बता दूं कि कोई एक बहुत ही बड़े कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, जहाँ पे रहते हैं ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के दरभंगा जिले से हैं, और वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉलेज नहीं है, उन्होंने वहाँ से एग्ज़ाम अपना मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कैंडिडेट्स कि आप किसी बड़े कॉलेज के टॉपर हैं तो ही आप IBPS PO मेंस जैसा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और इसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं मेरे सामने है। तो नीरज, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हमें कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कि सर हमें आपने तो एग्ज़ाम क्रैक किया तो आप क्या 18 घंटे पढ़ते थे, 15 घंटे पढ़ते थे? तो मैंने भी उनको बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 18 घंटे या 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 12 घंटे भी पढ़ते हैं सही स्ट्रैटेजी के साथ, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आप अपना बताइए कि आप कितना घंटा पढ़ते थे पूरे दिन पे? मेरा बेसिकली 12 घंटा तो रहता ही था, 12 घंटे का मेरा रूटीन रहता ही था। अगर ज़्यादा कर सकूँ किसी दिन तो और 13-14 घंटे भी हो जाता है अगर मैंने किसी और दिन मिस किया हुआ है तो। लेकिन 12 घंटे का आपका रूटीन होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने शेड्यूल बताया है 3 मॉक टेस्ट का और जनरल अवेयरनेस का, और इंग्लिश को भी आपको जब प्रिपेयर करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, तो ये सब करने में कम से कम 12 घंटे आपको लग जाएंगे। अगर आप उससे कम कर टाइम में आप कर नहीं पाएंगे, अगर आपने आप स्टडी आवर्स कम किए तो आप किसी न किसी चीज़ को छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी, फिर आप एग्जाम में प्रिपेयर नहीं रहेंगे। इसलिए 12 घंटे तक की मुझे लगता है कि मिनिमम 10 घंटे से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो एग्जैक्टली नीरज ने बहुत सही बात की। मैंने भी अपने जो सक्सेस स्टोरी शेयर की थी उसमें मैंने कैंडिडेट्स को बताया था कि मिनिमम 10 आवर्स तो पढ़ना ही है उनको, क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस आसान नहीं होता, खास करके IPS PO मेंस और SBI PO मेंस जैसा एग्जाम जो कि ऑलमोस्ट कैट लेवल का आता है। तो दोस्तों, आपको 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ना है, आप बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आप सबके लिए, और कोई भी यहाँ पे निगलिजेंसी आपके ही कैरियर को अफेक्ट करने वाली है। तो नीरज से मैं पूछना चाहूँगा कि उनका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था IPS PO का, IPS PO के बाद जो उनको सिलेक्शन हुआ था मेंस के बाद, तो उनका एक इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था और उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस तरह का था, तो वो थोड़ा शॉर्ट में बता दें नीरज जी। आप बहुत टाइम नहीं लेंगे हम कैंडिडेट्स का, तो जल्दी जल्दी बता दें कि थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे, कितने पैनल में कितने लोग थे, तो ये बता दें बस आप। पैनल में लगभग 5 लोग थे, जिसमें एक फीमेल मेंबर थी और 4 मेल मेंबर थे। क्वेश्चंस जो थे बेसिकली आपका आपके, इंटरव्यू कहाँ हुआ था नीरज? मेरा इंटरव्यू पटना में ही हुआ था तो, और उसमें 4 मेंबर्स मेल के थे, 1 मेंबर फीमेल थी। और बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके आपसे रिलेटेड, आपके फैमिली मेंबर से रिलेटेड होते हैं, आप कहाँ रहते हैं वहाँ से रिलेटेड होता है, आपका बैकग्राउंड क्या है उससे रिलेटेड होगा, और फिर बैंकिंग का सेक्शन से रिलेटेड होगा। ये 4 तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना हम सोचते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, और वो आपको अच्छा बहुत ही रिलैक्स करवाते हैं ताकि आप प्रेशर में ना आए। दोस्तों, नीरज ने बताई बहुत अच्छी बात कि ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू देना है तो आपको बहुत ही कुछ स्टडी करके जाना है, बैंकिंग को पूरा पी के जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल जो बैंकिंग की तैयारी करते रहते हैं, बैंकिंग का जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखें, बस जो भी स्टैटिक पार्ट उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आपको इंटरव्यू में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे लगता है कि करंट अफेयर को आपको अपडेटेड रहना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी इंटरव्यू में, वो चीज़ मिस ना करें। आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट की के बारे में फेमस फेमस चीज़ें हैं उनको याद करके जाया करें, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछे गए थे। तो नीरज, कुछ क्वेश्चंस याद है आपको? फॉर एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन बता दें कैंडिडेट्स को, किस किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मेरा नाम नीरज है तो मुझे पूछा गया था कि नीरज का मतलब क्या है। अब मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, मेरा बर्थ नेपाल में है, तो उन्होंने मुझे नेपाल से नेपाल के पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू किया, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन, और फिर मेरे अकाउंट्स, मेरा BCOM है तो उन्होंने अकाउंट से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था, फिर बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा, जैसे फंक्शंस ऑफ RBI, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो लास्ट आपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब ज्वाइन किया होता है, जैसे कि आप अगर मान लीजिए जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप किसी कॉलेज में होंगे, तो कॉलेज का जो आपको सब्जेक्ट है उसका आप तैयारी करके जाएं, थोड़ा बहुत बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर किसी आप जॉब में थे तो उस जॉब के बारे में पता करके जाइए कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली पूछा जाएगा आपके आपसे उस बारे में। तो नीरज, ये तो मैंने बता दिया सब कुछ, आपसे बातें हो गई हैं, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई मैसेज है आपके लिए या कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? अगर आप बिगनर हैं तो एक मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 4 साल तक 4 घंटे पढ़ने से बेटर है कि 12 महीने तक 12 घंटे पढ़ाई करें। इसे ऐसा अगर आपने फॉलो किया तो एक साल में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और गारंटीड आप कोई ना कोई एग्जाम में सिलेक्शन जरूर लेंगे।
नीरज, कितने मंथ्स, मतलब एक बिगिनर के लिए मैं बात करूं तो उनको, अगर वो एक अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ता है मन से, तो उसको कितने मंथ्स मिनिमम लगने चाहिए, मतलब तैयारी, मतलब एग्जाम क्रैक करने में, आईपीएस पीओ जैसा एग्जाम क्रैक करने में? मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे, और अगर आपने ठीक से, अगर आपको 6 मंथ्स में नहीं हो रहा, फिर भी 1 ईयर में प्रॉपर हो जाता है, तो 1 ईयर का प्रिपरेशन काफी होता है, और मिनिमम 6 महीने के होते हैं, उसमें आप प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं कोई भी एग्जाम। तो नीरज, ऑलमोस्ट आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया अपना, आप जॉब में हैं फिर भी आपने टाइम दिया अपना, तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो नीरज, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मैं भी अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस डालता हूँ स्ट्रेटजी के, स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, कैंडिडेट्स के हेल्प के लिए, तो आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैंडिडेट्स को क्यों मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहिए? कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली चैनल ज्वाइन करना चाहिए इसलिए क्योंकि देखिए, मैं उनको जानता हूँ, अमन, मैं आपको जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कितना डिफिकल्ट होता है एक जॉब में रहने के बाद उस जॉब को क्विट करना और फिर एक डिसीजन लेना किसी और एग्जाम को प्रिपेयर करना। तो अगर आप उनको, उनसे आप कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको मोटिवेशन तो डेफिनेटली मिलेगी, और मैं उनको जानता हूँ, वो आपको पर्सनली भी गाइड करेंगे, उनके चैनल से ज्वाइन करते रहिए, उनके चैनल को शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा उतना ज्यादा उनमें बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। आप उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनके नंबर्स हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैंने उनके वीडियोज भी देखे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और उनकी क्वालिटी कंटेंट भी है, वो आपसे बाकी इंपॉर्टेंट ही सारे मैसेजेस आपको देंगे, इसलिए उनको फॉलो करें रेगुलरली।